यार कुछ सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि प्रो राइडर 1000 के बारे में कुछ बोलो। अगर आप उतने बड़े स्टेज पे होकर ना कुछ कांड कर रहे हो, लिटरली हमारे मोटोब्लॉगिंग कम्युनिटी का ना क्या फ्यूचर है पता भी नहीं चल सकता। भाई हम नहीं चाहते कि ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना ये कैमराज बैन हो एंड फिर ये इक्विपमेंट्स बैन हो एंड बाइक मॉडिफिकेशंस के चीज़ें बैन हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। टुडे इज संडे एंड आई एम गोइंग फॉर ए संडे शॉर्ट स्पिन। बाकी हमको यहाँ से ज्वाइन कर रहा है रितेश एंड एल्युमिनियम पार्क में मिल जाएगा हमको कृष्णा। बाकी रितेश हमारे घर आने वाला था बट पता नहीं क्यों वो अभी तक नहीं आया। ऊपर से मेरे गाड़ी में ना पेट्रोल पूरा ख़त्म हो गया है, राइड रेंज बिल्कुल 0 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ये जंगल वाला रास्ता ना मेरे घर से पेट्रोल पंप की तरफ शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ से जाओगे तो बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, इसीलिए ज़्यादातर टाइम्स जब भी मैं पेट्रोल पंप जाता हूँ तो भाई ये वाला रास्ता यूज़ करता हूँ। छाड़ दियो। ओह माय गॉड, वहाँ पर कार में एक लड़की है भाई, घूरे जा रही है तब से। लिटरली मुझे उस तरफ देखने का भी मन नहीं कर रहा, कॉज पता नहीं यार उसे क्यों लगे कि मैं उसे घूर रहा हूँ, राइट। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये है रितेश, मैं इसकी ही बात कर रहा था। तो डायरेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एल्युमिनियम पार्क, हम एल्युमिनियम पार्क पहुँच गए थे बहुत टाइम से, कृष्णा का वेट कर रहे थे। अभी मैं रितेश का MT15 चला रहा हूँ। कृष्णा बोल रहा है वो पहले मेरे साथ ड्रैग रेस करेगा फिर जाके रितेश चलाएगा। तो कृष्णा चला आजा। भाई रुक जा। अरे यार, तो गाइस ये है MT15 2020 मॉडल एंड इसमें पावर आता है 18.4 BHP का। कृष्णा क्या कर रहा है यार तू? तो इसमें पावर है 18.4 BHP एंड टॉर्क है 14 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। मच लेटर। तो गाइस एक्चुअली हम तो ड्रैग करने वाले थे बट वहाँ पर कुछ लोकल्स आ गए एंड उन्हें लगा कि हम यहाँ पर स्टंटिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे ड्रामा करने लगे एंड कैमरा को भी छीन रहे थे। तो मैंने फिर वहाँ से आना ही सही समझा क्योंकि अब कैमरा को कुछ हो या फिर हमका कुछ केस वास होना हो ये मैं नहीं चाहता। सो मैं तो वहाँ से आ गया, बाकी मेरे बंदे भी सब पीछे ही आ रहे हैं। तो वहाँ से हम निकल गए, बाकी आज ड्रैग का प्लान था बट हो नहीं पाया। दैट्स ओके, ठीक है फिर कभी कर लेंगे। बट हाँ, कुछ लोकल्स आके ना वहाँ पर ऐसे देख रहे थे, घूर रहे थे, मुझे पता चल ही गया था कि कुछ कांड तो होने वाला है। बाकी फिर उनमें से कुछ लोग आके आर्ग्यू करने लगे हमारे साथ, तो लगा कि चलिए रहने देते हैं। उन्हें लगा कि हम स्टंटिंग करके रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो फिर कैमरा को भी फिर थोड़ा थोड़ा छीनने लगे। तो फिर मैंने बोला कि चलो निकलते हैं यहाँ से, सेफ नहीं लग रहा। इतना स्ट्रिक्ट हो गया है ट्रैफिक रूल्स कि हर किसी चीज़ पे ना केस हो जा रहा है। सो इससे अच्छा निकलना ही सही है वहाँ से। तो हम निकल लिए। सामने रितेश का MT15 मेरा भाई चला रहा है हृदय, बाकी रितेश मेरा 390 चला रहा है, रितेश के पीछे कृष्णा बैठा है एंड और एक भाई R15 वर्जन 2 पे आ रहे हैं। तो हम यहाँ से ही निकल जाते हैं पहले, फिर देखेंगे। छोड़ो, आज का जो प्लान था ड्रैग रेस का वो तो हो नहीं पाया, बाकी एक रैंडम सा व्लॉग देख लो आप लोग। अभी हम जा रहे हैं नालको की तरफ एंड ये भाई है R15 वर्जन 2 पे, OR19 राइडर। हेलो, से हेलो। ओके एंड हाँ यार, कुछ सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि प्रो राइडर 1000 के बारे में कुछ बोलो। भाई देखो, मैं इन सब के बारे में ना कुछ भी नहीं बोलना चाहता एंड इन सब में मैं बिल्कुल घुसना भी नहीं चाहता क्योंकि द थिंग इज कंट्रोवर्सीज में घुस के ना कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड हमारे इंस्पिरेशन आयुष वर्मा एंड जेस फिल्म्स को देख देख के हम इंस्पायर हुए हैं, राइट। एंड वो लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, सो हम भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बिना बात के कुछ एक इंसान के बारे में बोल के ना व्यूज़ नहीं लेंगे, ठीक है भाई। हम अपने में ही खुश हैं, मतलब बाइक चलाने को मिल रहा है, आप लोगों से स्टोरीज शेयर करने को मिल रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, हम उतने में ही खुश हैं। जिसको चला जाना था ना वो तो चला गया, राइट। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जस्ट प्रे फॉर हिम, उसकी सोल की पीस के लिए प्रे करो। बाकी उसमें क्या हुआ कैसा हुआ वो तो हमें भी नहीं पता, ना किसी को पता होगा। उस जगह पर जो थे ना वो तो झूठी बोल रहे हैं, राइट। मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, उस जगह पर जो थे वो तो झूठी बोल रहे हैं। तो इसके बारे में उसके बारे में बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, जो हुआ सो हुआ। एक ब्रदर को हमने लूज़ किया, राइट। तो इससे अच्छा ना बस उसके सोल के लिए प्रे करो। बाकी बी सेफ, राइड सेफ ऑलवेज एंड द थिंग इज 300 किलोमीटर पर आवर अपने बाइक पे क्लॉक करना इज़ नॉट ए मतलब ब्रेवरी वाला थिंग, राइट।
तुम इससे अपना ब्रेवरी दिखा रहे हो, ये कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है, यू आर जस्ट इररिस्पॉन्सिबल, राइट? कभी ऐसे चला लिए 300 किलोमीटर पर आवर, दैट्स गुड, बट ऐसे हमेशा चलाते हो, मतलब तुम सोच के ही जा रहे हो आज 300 किलोमीटर पर आवर लगाऊंगा, भाई बहुत ही मेसअप होने के चांसेस है। एंड द थिंग इज क्या है ना कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे ना इतने टॉप टॉप स्टेज पे रहकर, तुम लोग ही हमारे मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो, राइट? तुम इतने बड़े बड़े स्टेज पे हो, तुम्हें बहुत बड़े बड़े लोग देखते हैं, मैं भी कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी देखते होंगे, राइट? अगर तुम ऐसा रैश राइडिंग करोगे या उलट पालट कांड करोगे तो भाई हमारा मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी ही बर्बाद हो रहा है। एंड आजकल हो ही रहा है यार मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी, क्या हो गया है सबको, सब व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं तो मेन थिंग इज भाई मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी को बचाओ। एंड रहा ये एक्सीडेंट वाला चीज, भाई जो होना था सो हो गया, राइट? यहाँ से हमें जाना है राइट, ओके। वो लोग बहुत आगे चले गए, मैं आप लोगों से बात करते करते जा रहा हूँ इसीलिए लेट हो गया। और गाइज मुझे आप लोगों को एक बात बताना है, आप लोग व्लॉग्स देखते हो बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों यार? मतलब मेरा व्यूअरशिप रह जाता है 5000 के आसपास, मतलब वो जो रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, ठीक है, आते हैं देखते हैं बार बार देखते हैं, बट मेरा सब्सक्राइबर है 2.2K, मतलब बिल्कुल 50% कम गया है भाई। बाकी 50% लोग सब वीडियो तो देख लेते हो आप लोग, राइट? सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? कंसिडर कर लो सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो सब्सक्राइब तो फ्री ही है आजकल, राइट? अरे यार ये लोग यहाँ पर क्यों रुक गए? ओहो शायद मेरा वेट कर रहे थे, मैं बहुत ही पीछे आ रहा था। बाकी ये तो वही सेम रोड है, सामने जगन्नाथ टेम्पल है नालको का। एंड ये MT15 रितेश का है, लिटरली उसने दो इंडिकेटर हटा दिए हैं पीछे से, एंड जो नंबर प्लेट है वो नीचे खिसका दिया है, इसीलिए ये गाड़ी का ना लुक बिल्कुल अलग ही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है। एंड क्रैश गार्ड भी लगे हैं, HJC के लाइट्स भी लगे हैं। मैं ना कहीं पर रुक के आपको MT15 पे क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं वो दिखा दूंगा। ये रहा 3-स्टार की तरफ वाला रोड, अभी हम जा रहे हैं 3-स्टार की तरफ क्योंकि वहाँ पर ही रुक के बात कर सकते हैं। एंड भाई मुझे अभी एक चीज़ याद आया, अगर आप उतने बड़े स्टेज पे होकर ना कुछ कांड कर रहे हो, लिटरली हमारे मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी का ना क्या फ्यूचर है पता भी नहीं चल सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर बैन हो गया ना, जैसे GoPro या फिर एग्रेसिव इक्विपमेंट्स, बाइक मॉडिफिकेशंस, ऐसे भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है इंडिया में बाइक को मॉडिफाई करने के लिए, राइट? तो अगर वो सब चीज़ ऑफिशियली बैन हो गया ना तो भाई पछताएगा कौन, मज़ा किसका ख़राब होगा, हम लोगों का, राइट? तो भाई जैसे कि केरला में ना ये हेलमेट माउंट्स या फिर हेलमेट कैमराज बैन है, वैसे पूरे इंडिया में बैन करवाना चाहते हो? बोलो यार, खुद को क्वेश्चन पूछो। एंड अपने जो फेवरेट मोटो व्लॉगर्स हैं ना, जिनके तुम वीडियोस देखते हो, उन्हें क्वेश्चन करो कि क्या चल रहा है, राइट? भाई हम नहीं चाहते कि ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना ये कैमराज बैन हो, एंड फिर ये इक्विपमेंट्स बैन हो, एंड बाइक मॉडिफिकेशंस के चीज़ें बैन हो, तो सब मत करो, राइट? जस्ट हमारे कम्युनिटी को ना पूरा क्लीन रखो, बस व्यूज़ के लिए ना कुछ भी मत करो प्लीज़। मैं तो डरता हूँ बस इस चीज़ के लिए कि स्पोर्ट्स बाइक्स या फिर हायर सीसी बाइक्स बैन ना हो जाए इंडिया में, ऐसे भी बहुत उलट पलट चीज़ें चल रहा है, कभी भी बैन हो सकती है। तो गाइज ये रहा रितेश का MT15, राइट? इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये टैंक का जो कवर है ना, ये भी मॉडिफिकेशन हुआ है, ये ऊपर लगा है। बाकी इसमें ये एक लगा है फ़ोन होल्डर, एंड फोर्थ इंडिकेटर भी इसमें लगा है, हैजार्ड लाइट्स, राइट? अब यहाँ पर रुक के थोड़ा दिखाता हूँ कि और क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुआ है। ओह माय गॉड, मेरा हाइट इतना ज़्यादा है ना, ये गाड़ी मुझे पूरा छोटा लग रहा है। देखो MT15 पे यहाँ पर नंबर प्लेट आता है, बाकी रितेश ने यहाँ से नंबर प्लेट हटा दिया, इंडिकेटर्स भी हटा दिया। ये जो मडगार्ड है ना, ये शायद RS 200 का है, बाकी RS 200 का मडगार्ड लगा है। एंड ये जो नंबर प्लेट का जुगाड़ ना, यहाँ पर होल करके ऐसे नंबर प्लेट लगाया गया है, ये बहुत अच्छा जुगाड़ है। एंड ये लाइट,
ये नंबर प्लेट का छोटा सा लाइट ना यहाँ से निकाल के यहाँ पर लगाया गया है, तो पूरा जुगाड़ पे ही बेस्ड है ये पीछे वाला चीज़, पूरा काफी रेसर वाला लुक देता है, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर शायद जाना के क्रॉस गार्ड्स लगे हैं, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि 390 पे लगा लूँ, बट वेट भी इनका बहुत ही ज़्यादा होता है, सो इसलिए मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई, क्रॉस गार्ड्स तो नहीं लगाने हैं। राइट, नेकेड मशीन को चलाने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि वो हल्का होता है। बाकी ऊपर से यहाँ पर एजेसी के लाइट लगे हैं दोनों की तरफ, यहाँ पर भी एजेसी के लाइट लगा है, एंड लाइट का कंट्रोल स्विच यहाँ पर है, देखो येलो वाइट, ये बहुत ही हेल्पफुल रह जाता है विंटर्स में। भाई गाड़ी का सामने से लुक देख लो, ऐसा ही है, बहुत ही एग्रेसिव है, ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी मुझे MT15 एंड R15 में एक ही प्रॉब्लम लगता है कि ये इंडिकेटर्स, भाई इतना कुछ फीचर्स दे रहे हो, इतना कुछ एग्रेसिव लुक दे रहे हो, ये LED इंडिकेटर्स नहीं दे सकते भाई? हैलोजन इंडिकेटर्स लिटरली बहुत ही घटिया लगते हैं गाड़ी में, गाड़ी के लुक को बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। बाकी MT का ना पीछे वाला सीट बहुत ही छोटा है, तो जो लोग लेना चाहते हैं एंड फैमिली यूजेस करना चाहते हैं कभी कभी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एंड पीछे से लुक ऐसा ही है। सो चलते हैं, अभी फ्रेंड्स तो बैठे हैं, सबका मूड ख़राब है, तो उनसे बातें बातें करेंगे। आई थिंक आज ब्लॉग ख़त्म यहाँ पर ही, ठीक है। गाड़ी का साउंड ऐसा आता है, ओ माय गॉड, अब जैकेट पहना हूँ ना, बहुत ही पसीना निकल रहा है। सॉरी गाइज यार, आज आपको एक अमेजिंग वीडियो देने वाला था, बट ड्यू टू सम इशूज ये हो गया, एंड ऊपर से ना थोड़ा मन भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभी अभी एक हमारे कम्युनिटी से एक बाइकर का ऐसा हुआ है, राइट, तो मन भी अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि चलो भगवान नहीं चाहते हैं तो नहीं करते हैं, राइट। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज, जल्दी मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, आज तो हमारे साथ बहुत कुछ मेसअप हो गया है। तब तक मैंने लास्ट में दो वीडियो के लिंक दिए हैं, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, टिल देन दिस इज पिंकुन मोटो ब्लॉगर साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइज।